एससी एसटी में आरक्षण को लेकर क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद का आह्वान आज विपक्षी दलों की तरफ से किया गया है। भारत बंद का असर नजर भी आ रहा है। सुबह से सड़कों पर आप विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारियों को देख सकते हैं। अपने अलग अलग तरीकों से अंदाज से प्रदर्शन कर विरोध जाहिर किया जा रहा है इनकी तरफ से। पटना की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पटना की ही तस्वीर है, जहां पर इतना बवाल हुआ कि पुलिस ने लाठीचार्ज यहाँ कर दिया और डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने यहाँ प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बताया जा रहा है कि डाक बंगला चौराहे पर सुरक्षा के लिहाज से सिटी एसपी एसडीएम तमाम अधिकारियों की मौजूदगी थी। एसडीएम तक वहां पर मौजूद थे, पुलिस के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। भारत बंद के दौरान बिहार की राजधानी पटना जो है वहां पर जमकर बवाल देखिए किस तरीके से हो रहा है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच ही आपस में झड़प हो गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को पुलिस वालों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा भी, जिसे आप देख पा रहे होंगे। और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जब पीटना शुरू किया तो तितर बितर होते ये प्रदर्शनकारी आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। कई जगहों पर भारत बंद का असर मिला जुला नजर आया, कई जगहों पर ये ज्यादा प्रभावी दिखा तो कई जगहों पर जो दफ्तर थे प्रतिष्ठान थे वो खुले हुए भी थे। कई जगह प्रदर्शनकारी जो हैं जबरन दुकानों को बंद कराते हुए भी आपको दिख जाएंगे। बड़ी संख्या में पुलिस एहतियात के तौर पर सड़कों पर मौजूद दिख रही होगी। भारत बंद को लेकर ये तस्वीर जो है जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं डाक बंगला चौराहे की, वहां पर देखिए समर्थकों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। जैसे ही समर्थकों की तरफ से यहां पर कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया गया, इसे चुनौती दी जाती है, तो पुलिस वाले भी यहां पर अब एक्शन मोड में आपको दिख रहे होंगे। उन्होंने यहां पर बल प्रयोग किया और बल प्रयोग करते हुए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, पानी की बौछार के साथ इन्हें रोकने का प्रयास हुआ। पहले समझाया जा रहा था, बाद में इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन और लाठी चार्ज अंततः चला कर दिया जाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग तस्वीर यहां पर निकलकर सामने आई। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जब पुलिस वाले लाठी भांज रहे थे प्रदर्शनकारियों पर, उसी दौरान एसडीएम साहब भी देखिए प्रदर्शनकारियों को समझाने और यहां से हटने का आग्रह करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन पुलिस कर्मियों का डंडा जब चला एसडीएम साहब के आदेश पर ही, तो वो आदेश एसडीएम साहब को ही भारी पड़ गया। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले ने लाठी चलाने के दौरान एसडीएम साहब को देखा नहीं और एक दो लाठी एसडीएम साहब को ही लग गई। एसडीएम साहब हालांकि घायल हो गए हैं। अब सवाल ये कि भाई जिस कानून व्यवस्था का हवाला दिया जाता है, जिस कानून को सुनिश्चित किया जाता है, एसडीएम साहब के आदेश पर ही लाठी चार्ज हुआ, वही लाठी एसडीएम साहब के ऊपर पड़ जाती है। एसडीएम साहब श्रीकांत खांडेकर बंद समर्थकों को हटा रहे थे। जो एसडीएम साहब हैं जिन्हें ये लाठी पड़ी है, वो एसडीएम साहब का नाम है श्रीकांत खांडेकर, बंद समर्थकों को हटाने ही पहुंचे थे। पुलिसकर्मी ने उन पर ही लाठी चला दी। एक दिवसीय भारत बंद के दौरान बिहार की राजधानी पटना की ये तस्वीर आपके सामने है, जहां पर पुलिस ने बल प्रयोग भी किया, प्रदर्शनकारियों को तितर बितर किया, हटाया भी, लेकिन इसी दौरान एसडीएम साहब खुद उसी लाठी का शिकार हो गए जो लाठी प्रदर्शनकारियों पर चल रही थी। सिर्फ बिहार के पटना के नहीं, बिहार के तमाम जगहों से तस्वीरें सामने आई, चाहे आरा हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, सिवान हो, गोपालगंज हो, सभी जगहों पर बंद का असर नजर आ रहा है। बुधवार को प्रदर्शनकारी देखिए कैसे महेंद्रू से लेकर डाक बंगला चौराहे तक आपको हर जगह नजर आ रहे होंगे। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग को तोड़ा, पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया। प्रदर्शनकारी तब भी मानने को तैयार नहीं थे और उसके बाद अंततः लाठी चार्ज हो जाता है। लाठी चार्ज हुआ, प्रदर्शनकारी हटे भी, लेकिन इसी दौरान ये लाठी एसडीएम साहब के ऊपर भी चल जाती है। इस खबर पर क्या है आपकी राय? मैं आपके साथ आपके होस्ट और दोस्त विभा।